Hello friends, welcome back to another video tutorial from KBS Biology. Today we will start biochemistry module number first. तो CSIR NET का जो module number first है, तो उसमें जो हम biochemistry के बारे में इस video series में देखने वाले हैं, तो biochemistry ये series, okay, आज हम start करेंगे. तो उसमें पहला तो हम जान लेते हैं कि biochemistry क्या है. तो यहाँ पे देखो, जहाँ पे biological केमिस्ट्री मीन्स बायोलॉजिकल इंटरेक्शन होता है केमिकली, ओके, जैसे कि प्रोटीन्स में, लिपिड्स में, उसके बाद जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो हमारे बॉडी में रिएक्शंस होते हैं, ओके, जो बैक्टीरिया में रिएक्शंस होते हैं, जो ऑल लिविंग थिंग्स में, ओके, प्लांट हो, बैक्टीरिया हो, वायरसेस हो, उसके बाद एनिमल हो, ह्यूमन हो, ओके, तो उसमें सब में जो रिएक्शंस होते हैं, उस रिएक्शंस को हम कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस, ओके. तो जो बायोकेमिकल रिएक्शंस का जब हम स्टडी करते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस का हम स्टडी करते हैं, तो उसमें हमें क्या मिलता है, उस वो हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. तो हम बेसिक जो है उससे स्टार्ट करने वाले हैं. और ये जो बेसिक है, बेसिक मींस क्या, कि जो केमिस्ट्री होती है, बेसिकली केमिस्ट्री क्या है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है, तो उसमें हम देखने वाले हैं. तो देखो, हम आज जो स्टार्ट करेंगे क्या, कि जो बायोलॉजिकल स्टडी है केमिस्ट्री का वो देखेंगे. तो उसमें बेसिकली हम देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड कोवेलेंट इंटरेक्शन. तो इस वीडियो से हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग. तो इसमें इस वीडियो में हम क्या करते हैं, इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं, जो एटम होता है, ओके, जो मॉलिक्यूल होता है उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है, और जो मॉलिक्यूल दोनों के, ये दो मॉलिक्यूल है, इसके बीच में जो इंटरेक्शन होगा, इसमें जो इंटरेक्शन होगा, और ये कैसे एक दूसरे को चिपक के रहते हैं, वो एक दूसरे को कैसे कंबाइन होकर रहते हैं, उस कंबाइन होने का जो इंटरनल बॉन्डिंग होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में हम देखते हैं. तो इसको हम इंटरेक्शन भी कहते हैं, उसको हम बॉन्डिंग भी कहते हैं. तो इस वीडियो में हम क्या कहते हैं, जनरल इंट्रोडक्टरी वीडियो है. तो इस सीरीज ऑफ वीडियोज़ में हम क्या देखने वाले हैं, वो इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में देखेंगे. और इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, कि जो हम किस प्रकार आगे की वीडियो हम डिवाइड करने वाले हैं. तो देखो, जो एटम होता है, एटम, तो एटम्स में क्या होता है, वो किससे तैयार होता है, वो निगेटिवली चार्ज जो रहता है वो क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन, ओके. पॉजिटिवली चार्ज जो रहता है वो रहता है प्रोटॉन, और जो न्यूट्रल रहता है, ओके, उसको हम कहते हैं न्यूट्रॉन. ये तीनों से क्या तैयार होता है, ये आइटम्स तैयार होते हैं. और ये तीनों का स्ट्रक्चर जो हम तीनों मिला के क्या होता है, ये तीनों मिला के आइटम्स तैयार होते हैं. तो ये आइटम्स जो है, आइटम्स, ओके, तो आइटम्स का जब इन्वेंशन हुआ, जब आइटम्स ये है, इस किस प्रकार आइटम्स होते हैं उसका इन्वेंशन हुआ, तो डिफरेंट मॉडल यहाँ पे क्या हुए, प्रपोज्ड हुए. तो ये डिफरेंस मॉडल के हम स्टडी करने वाले. तो उसमें पहला जो मॉडल्स है वो वर्म पुडिंग मॉडल, उसके बाद सेकंड वाला जो है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, तीसरा नंबर का जो है वो बोहर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल,
और फोर्थ नंबर का हम देखने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक, क्वांटम क्वांटम मैकेनिकल मैकेनिकल मॉडल। तो ये चार मॉडल हम डिफरेंट वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, तो एटम क्या होता है, वो किससे तैयार होता है, ये तो आपको पता ही है, मगर डिटेल में हम स्टडी करेंगे का उसका मॉडल्स जो है, डिफरेंट मॉडल्स जो है वो किस प्रकार होते हैं और कौन से होते हैं। तो पहला वीडियो में हम कवर करेंगे पुडिंग मॉडल, उसके बाद सेकेंड वीडियो में हम कवर करेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ये सब मॉडल हम कवर करने वाले हैं क्योंकि यहाँ से बेसिकली क्या आते हैं, यहाँ से बेसिक क्वेश्चंस आते हैं और जो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है केमिकल बॉन्डिंग। ओके, तो जिससे क्या होता है, मॉलिक्यूल तैयार होता है। तो मॉलिक्यूल तैयार होने के प्रोसेस वो, और मॉलिक्यूल तैयार किस प्रकार होता है, ये एटम है, एक एटम है, यहाँ पे दोनों में इंटरेक्शन हो गई और यहाँ पे दोनों साथ आ गए, तो इसको हम कहते हैं बॉन्डिंग और इंटरेक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, दो एटम मिला के मॉलिक्यूल तैयार होता है। तो ये मॉलिक्यूल तैयार होने के लिए क्या लगता है, यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग रखते हैं। ओके, केमिकल बॉन्डिंग। तो ये जो केमिकल बॉन्डिंग है ये दो टाइप्स की होती है, स्ट्रॉन्ग और वीक, स्ट्रॉन्ग और वीक। तो जो स्ट्रांग होती है वो बहुत हाई एनर्जी की होती है, 100 किलो जूल तक, क्या बहुत हाई एनर्जी, हायर। और ये लेस होती है 10 किलो जूल तक। जिस प्रकार मीन्स ये जो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड, ये इंटरेक्शन जब स्ट्रांग होगी तो उसको 100 किलो जूल तक एनर्जी लगेगी ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, और वीक होगी तो उसको 10 किलो जूल तक एनर्जी लगेगी उसको ब्रेक होने के लिए। जिस प्रकार बॉन्ड ब्रेक होने को जो एनर्जी लगती है, उस एनर्जी को हम कहते हैं क्या, उस एनर्जी को हम, उस एनर्जी यहाँ पे, उस एनर्जी पे डिपेंड होता है वो स्ट्रांग है या वीक है। तो ये डिटेल में हम आगे वीडियोस में देखने वाले सब कवर करने वाले हैं। तो स्ट्रांग बॉन्ड्स में, स्ट्रांग इंटरेक्शन में क्या क्या आता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग, मेटेलिक बॉन्डिंग, मेटेलिक बॉन्डिंग और फोर्थ नंबर की जो है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। तो जो वीक बॉन्डिंग होती है, तो वीक बॉन्डिंग मेनली तीन टाइप्स की होती है। पहला वाला जो है हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और थर्ड वाला जो है वैंडरवाल इंटरेक्शन। ओके, तो ये तीन टाइप्स के वीक केमिकल बॉन्डिंग होती है और ये चार टाइप्स के क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन और केमिकल बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग, मेटेलिक बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। तो ये सब के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, अलग अलग से वीडियो बनाने वाले हैं। आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि ये जो आगे की वीडियोज़ आने वाली है उसके आपको नोटिफिकेशन मिलने के लिए। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो। थैंक यू।